भाई अपने साले के साथ शादी कर रहा था, वो ब्राह्मण मुझे ही बुलाने आए थे, इसलिए मुझे लाना पड़ा। भगवान बोले आप चिंता न करें, आप रथ में बैठे रहे, मैं पूरी सेना को अभी खत्म करता हूँ। सुखदेव सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित बलराम ने दस दस जवानों की गर्दन हाल में फंसा करके और ऊपर से पीछे से मार लगाते ही तरुणे से भाड़ दिए, मार मार के जितनी सेना थी वो सब भक्ति को मिटा दी। बोलिए कृष्ण भगवान की, सब सेना का वध कर दिया है। और भगवान कृष्ण ने उस रुकुम को पकड़ लिया और उसको मारने का मन बनाया, लाल से मार दूं। सो एकदम से रुक्मणी रोने लगी और अपने भैया के प्राणों की भीख मांगने लगी है। 101 रुपए श्रीमान पाती राम करसा निवासी है, भगवान की कथा में ध्यान दे रहे, भगवान मनोकामना सिद्ध करते रहे। और रोने लगी है श्याम सुंदर, यदि तुमने मेरे भैया को मार दिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी, दुनिया वाले मुझे क्या कहेंगे। छोड़ दिया जा और सुखदेव जी कह रहे हे राजन परीक्षित, फिर वो लौट के कुंदनपुर में नहीं गया, एक भोजगढ़ नाम का नगर बसाया और वो वहीं रहने लगा है।
और ये बोले भगवान की, इधर भगवान कृष्ण रुक्मणी को लेकर द्वारका में आए हैं और रुक्मणी के पिता भीष्म से कह दिया आप अपनी कन्या का कन्यादान लेना चाहते हैं तो द्वारका में आए, 56 रथ सजवाए और बड़े धूमधाम से आकर के अपनी कन्या का कन्यादान किया है। बैठ जाए कुर्सी पर, माला लाई हुआ जयमाला डालो और जो भी कन्यादान लेना चाहते हैं भाई बंधु माता बहने और हमारे परिषद यज्ञपति वरुण देवता ये सभी आए और आकर के भगवान कृष्ण का परिषद महाराज कैसे उठो जल्दी सुनना बात जैसे अभी चलो महाराज चलो सब जने तुम बने हो भगवान कृष्ण का और एक साड़ी से हमारी माता जी ने कन्यादान लिया है जिनके ही द्वारा हमारे यहाँ पर आना हुआ आप लोगों के दर्शन हुए। Thank you.
बताया दे।